ट्रिपल आई एम आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन के वीडियोस लेके आते हैं और आज नो माय स्टेट दैट इज हमारी जो श्रृंखला है नो माय स्टेट्स इंडिया के 28 स्टेट्स और आठ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बा एक के बाद हम आपको एक के बाद एक लेके आते हैं एंड टुडे वी हैव गॉट अ स्टेट फॉर यू विच इज़ जहाँ पे It is a new state, not very new, but yes, a new state, and it is Chhattisgarh. That means you are going to know about what to export from Chhattisgarh to the world. Welcome to Triple This is Trupti Shah with you on Know My State. हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की अब छत्तीसगढ़ इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं जो लाल कलर में दिखाया है दैट इज छत्तीसगढ़ छत्तीस यानी थर्टी सिक्स एंड गढ़ यानी फोर्ट फोर्ट थर्टी सिक्स फोर्ट्स इस राज्य में है इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ है कैपिटल इज रायपुर लैंग्वेजेस आर छत्तीसगढ़ी हिंदी एंड इंग्लिश एंड दिस इज गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश इतना बड़ा था इसमें से ये छत्तीसगढ़ वाला टुकड़ा राज्य एक नया बना 2000 की साल में और दिस इज द सेवेंथ लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री छत्तीसगढ़ ऐसा है कि जो चारों ओर लैंड हैं तो इसमें हमें अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो ऊपर हमारे उत्तर बाट में छत्तीसगढ़ के उत्तरीय भाग में हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश उसके बाद क्लॉकवाइज झारखंड उड़ीसा तेलंगाना इस तरफ महाराष्ट्र एंड कोर्स मध्य प्रदेश तो दीज आर ऑल डिफरेंट लैंड्स दीज आर डिफरेंट स्टेट्स इन छत्तीसगढ़ सराउंडिंग 28 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में एंड इट इज द सेवनटींथ लार्जेस्ट इकनॉमी सत्रह नंबर की इकोनॉमी भारत की हैं एंड इट इज सेवेंटी पॉइंट थ्री परसेंट लिटरेसी रेट दैट मीन्स सेवेंटी पॉइंट थ्री परसेंट पढ़े लिखे इंसान मिलेंगे आपको और मजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज एंड अदर रिलीजन वी आर अ सेक्यूलर कंट्री सो अकॉर्डिंगली वी है रिलीजन्स देर ट्वेंटी टू फोर परसेंट ही सिर्फ सिटीज़ में रहते हैं बाकी का पॉपुलेशन अभी भी गाँव में रहता है ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल्स मिलेंगे बुद्धिस्ट स्तूपाज मिलेंगे बुद्धिस्ट साइट्स मिलेगी यहाँ पे रेयर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे पैलेसेस हैं नेचुरल वाटरफॉल्स हैं केव्स हैं रॉक पेंटिंग्स हैं उस जमाने की रॉक पेंटिंग्स आज भी बरकरार है ऐसी ही ऐसी रखी हुई है एंड देर आर हिल प्लेटूज ऑल अराउंड बहुत ही सुंदर जगह है देर इज़ अ मैन मेड जंगल सफारी इन रायपुर एंड इट आल्सो हैज़ अ टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ Main path is the popular hill station in Chhattisgarh. Raipur, Billai, Bilaspur. You have Raigarh, you have Korba, you have Ambikapur, you have Jagdalpur, Chirmiri, and Damtari. These are the main cities, and there are these are the main cities where the maximum population, the 23% of the city population lives here. टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज फॉर अबाउट 1,789.42 मिलियन यूएस डॉलर्स इन जनवरी 2021 मेन एक्सपोर्ट रीजनज जहाँ से जिस जगहों से छत्तीसगढ़ में से एक्सपोर्ट होता है आर बिल्लई, उरला, भानपुरी सिरगिती एक्सेट्रा 17.1 percent, percent, 17.1 percent of total mineral production of India is from Chhattisgarh. Agricultural produce, of course, India is an agricultural country and Chhattisgarh also has a good production of rice, maize, millets, oilseeds, peanuts. Chhattisgarh is also known as a place which is good for its rice for the फॉर इट्स लोकल पीपल माइन्स एंड मिनरल्स आयन एंड स्टील बिल्ई सबको पता है आयन और एल्यूमिनियम लाइम स्टोन बॉक्साइड डोलामाइट एक्सेट्रा माइन्स एंड मिनरल्स यहाँ का प्रोडक्शन है और ये एक्सपोर्ट भी होता है इंडस्ट्रीज एंड मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ छत्तीसगढ़ स्टील ऑप्टिकल फाइबर्स पेपर लंबर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट हैं तो लंबर या टिम्बर टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीमेंट अदर मेजर इंडस्ट्रीज आर पोल्ट्री फार्मिंग सिल्क वुल एंड कॉटन थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे बहुत जनरेट होता है एंड इट इज गिवन टू अदर स्टेट्स ऑल्सो बन सागर डैम एंड हरकद डैम आर ओवर द महानदी रिवर एंड यहाँ से बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है छत्तीसगढ़ से आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं हमारे कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे यूट्यूब व्यूअर्स हमें पूछते रहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ मैं क्या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ओके छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें भिल्ली रायपुर कोरबा रायगढ़ यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आयरन एंड स्टील आयरन और स्टील कास्टिंग एंड फोर्जिंग, एल्यूमिनियम सीरियल्स राइस ज़्यादातर मेज कॉर्न जो भी हमने बोला मिलेट्स ब्लेंडेड यान दैट इज मैन मेड एंड कॉटन या फिर सिल्क एंड अदर सिंथेटिक एक्सेट्रा ऑयल एक्सट्रैक्शन मेडिसिनल प्लांट्स फ्रूट्स सिल्क एंड हैंडी सो ये सारी चीज़ें आप या, छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एडवांटेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ आर रिच लेबर पुल यहाँ पे 23% परसेंट ही सिटीज में रहते हैं बाकी के गांव में रहते हैं तो खेती बाड़ी अच्छी होती है यहाँ पे जो गांव में रहते हैं वो हैंडलूम टेक्सटाइल्स ये मिलों में काम करते हैं आपके लिए ये सारी चीज़ें बनाते हैं सो दिस इज़ वेरी गुड इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट स्टेट इट हैज रिच मिनरल रिसोर्स एंड द गवर्नमेंट पॉलिसवेलपमेंट सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं है पर कमर्शियल एयरपोर्ट जो है रायपुर और बिलासपुर में है पोर्ट्स ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है यानी कि चारों ओर दूसरे राज्य हैं तो हमें कोस्टल लाइन सी पोर्ट रिवर पोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है तो एग्जिस्टिंग ड्राई पोर्ट इज एट कापा नियर रायपुर एंड द सेकेंड इनलैंड कंटेनर डेपो द सेकेंड आई सी डी इज कमिंग एट नया रायपुर तो ये दो हैं अभी ऑलमोस्ट बन चुका है नया रायपुर में तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं रेल एंड रोड कॉन्कर हैज़ मेड द इंडियन सेंट्रल इंडियन रेलवेज एंड कौनकर हैव मेड वेरी गुड रेल नेटवर्क इन छत्तीसगढ़ एंड 11 नेशनल हाईवेज़ आर एग्जिस्टिंग इन छत्तीसगढ़ भारत के कोई भी शहर में कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है छत्तीसगढ़ का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है एंड जून टू अक्टूबर इज मॉनसून नवंबर टू जनवरी इज विंटर एंड फेबरुअरी टू जून इज समर छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है जो लोग पैसे कमाते हैं स्टेट का पैसा आता है मेजर इज फ्रॉम माइनिंग एग्रीकल्चर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज सो यू हैव कोल, आयन और डोलामाइट इन अदर मिनरल्स यू हैव राइस प्रोडक्शन यू हैव टबैको प्लांट्स यहाँ पे तेंडू लीव्स करके एक आते हैं और ये टबैको में यूज होते हैं एंड यू हैव मैन्युफैक्चरिंग इज मेनली मेटल बेस्ड मिनरल्स इतने सारे हैं मेटल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो स्टेट हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर थोड़ा उसका हिस्सा जो है वो लो लैंड पे है तो राइस प्रोडक्शन अपने लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हो सकता है एंड द इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स फॉर रिसर्च फर्दर रिसर्च ऑन छत्तीसगढ़ वी हैव टू यू इन द लिस्ट and we wish that you export maximum from chhattisgarh or around chhattisgarh area and you become successful exporter no matter even if you are in chhattisgarh or not every state of india needs to be generating entrepreneurs and generating exporters to bring in a lot of foreign revenues and to bring back the golden bird days in india happy exporting thank you so much